आज से 15-10 साल पहले हम लोग जाते थे, 15 साल पहले, तो एक व्यापारी कहने में और हम ये बात कहने में डर लगता था से 15 साल पहले कि हम व्यापारी हैं और रुपये का आदान प्रदान हम बैंक से करते हैं और एक ट्रेडर है, हम लोग सीधा कहा करते थे कि हमारा छोटा छोटा बिजनेस है और सर्विस मैन है, कहीं बाहर जाते थे तो या फिर रोड पर यही बोला करते थे, क्योंकि गुंडागर्दी का दर्द जो है वो पूरे बिहार की जनता ने, चाहे वो जयनगर हो, चाहे छपरा हो, या पूरी छपरा, पूरी बिहार ने झेला है। मजबूरी का आलम ये था कि पैसे रहते हुए भी हम लोगों ने एक दर्द सहा है कि मारुति बैंक खरीद के, मारुति बैंक में घूमते रहते थे लेकिन गाड़ी खरीद नहीं पाते थे, सिर्फ इसलिए कि कोई देख ना ले। अच्छा खाना और अच्छा पहनना जो है वो तो भूल ही चुके थे, पूरा परिवार भूल चुका था। ये सारे दर्द को झेला है पूरे व्यापारियों ने। एक समय हुआ करता था कि जब हम लोग, जब कैट नहीं, क्या गठन नहीं था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत अच्छे तरीके से गठन नहीं हुआ था, आप देख रहे हो चैम्बर ऑफ कॉमर्स 20-22 सालों से बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम सैल्यूट करते हैं उनका, लेकिन 20 साल पहले आप जब जाएंगे तो एक छोटा सा लेबर अधिकारी, बुरा नहीं मानेंगे अगर कोई अधिकारी यहाँ पे होंगे तो प्लीज उसके लिए सॉरी बोलते हैं, एक छोटे छोटे जो लेबर अधिकारी हुआ करते थे, वो जब बाजार की तरफ से उनकी गाड़ियां जाती थी तो शटर डाउन हो जाते, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, सारे लोग अपने शटर डाउन हो जाते थे, और जब वो गुजर जाते थे तो फिर शटर खुल जाता था। मजबूरी का आलम ऐसा था जैसे कि सामने से जो जा रहे हैं वो राजा हरिश्चंद्र की सारे औलादे जा रही है और जितने दुकानदार भाइयों हैं, जितने व्यापारी हैं, वो सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। इन सब आलम को झेलने के बाद जो है हम लोगों में आज की दौर में जो सुशासन आया, जो नीतीश गवर्नमेंट आई, उस गवर्नमेंट में जो चेंजेज आया, जो हमारे ने मनोबल बढ़ा है, वो एक गवर्नमेंट और नीतीश गवर्नमेंट या नीतीश विजन कहे या जो भी कहे, मोदी विजन कहे, जब से ये बदला है तब से हम लोगों की मानसिकता बदली है। और इन सारे चीजों के बाद जब अब कैट, जब हम लोगों का कैट का गठन हुआ और कैट जब यहाँ पर आया हुआ है और अशोक वर्मा जी ने जो काम किया है कि प्रमंडलीय अध्यक्ष बनाया है और जगह जगह पर हर जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है, सोने चांदी के व्यवसायी अलग बन रहे हैं, स्कूल एसोसिएशन अलग बन रहा है, ठेकेदार एसोसिएशन अलग बन रहा है, इन सब चीजों से व्यवसायियों की जो एकता है वो सामने नजर आ रही है। पहले व्यवसायी 10 तरह के हुआ करते थे, आज सब व्यवसायी सब एक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया, तो 1.5 लाख व्यवसायी तो जरूर होंगे, 1.5 लाख दुकानदार जरूर होंगे, चाय वाले को मिला दीजिए और कपड़ा वाले से मिला के फैक्ट्री लेवल तक, अगर वो 1.5 लाख व्यवसायी अपनी एकता दिखाते हैं और अपने आप को मजबूत बनाते हैं तो हमारी आवाज सुनने वाला पूरे जयनगर में जरूर पैदा होगा और जरूर हमारी बात सुनेगा। आप एक होके आवाज उठाएंगे तो हमारी बात जो है, आज पुलिस प्रशासन यहाँ पे आई थी, आज से 10 साल पहले तो कभी पुलिस प्रशासन हम लोगों को देखा नहीं करती थी, हम लोग थाने में जाने के पहले डरा करते थे कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हमारे घर में कोई लफुआगिरी कर रहा है, इस लफुआगिरी की कंप्लेंट जो है FIR तो बहुत दूर की बात है, हम मुंह से बोलने तक थाने में नहीं जाते थे कि सर मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। इन सारे चीजों को व्यवसायियों ने बहुत तगड़े रूप में झेला है। इन सारे चीजों को छोड़ दीजिए, इन सब में हम लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं? कोई भी सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, पूरे भारतीय संस्था जो है, भारत एक संस्था अगर है, भारतीय संस्था अगर चल रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था अगर चल रही है तो हम व्यापारियों से चल रही है, ना कि इन गुंडों से और ना कि इन पॉलिटिशियंस से चल रही है। इस संस्था में चलाने का सबसे बड़ा भागीदार अगर कोई है तो व्यापारी है, हम हैं। अपने आप को कहिए कि हम जो ट्रेडर है, हम व्यापारी है, इसके लिए हमें गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जयनगर के पूरे टीम को और आह्वान करते हैं कि आप लोग सारे लोग आइए और कैट टीम से अटैच होइए और कैट के मेंबर बनिए और मेंबर बनने का बहुत ज्यादा। उस समय वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बात को क्यों सुने, तुम कितने संगठित हो, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का नाम दिया जिसमें हमारे छोटे बड़े गरीब मध्यम मझोले, चाहे वो चाय बेचने वाला हो या पान का कुंडी लगाने वाला हो या ज्वेलर्स हो या खाद का काम करने वाला हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाला हो, जो भी व्यक्ति हमारे व्यापारी है, चाहे वो किसी भी ट्रेड का व्यापारी हो, वो हमारा सदस्य है। और पिछले 3-2.5 साल से हम लोगों ने बिहार में इसको प्रयास किया। पहला मीटिंग जो हम लोगों ने किया था
बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर उसमें मात्र हमारे पास 26 व्यापारी, सिर्फ 26 लोग मौजूद थे। सारे लोगों ने कहा कि साहब आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और आपने मीटिंग की है, मात्र सिर्फ 26 आदमी आए हैं। लेकिन उनकी बातों से हम लोग कभी निराश नहीं और उसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और हमने कहा कि ठीक है, हमें कुछ वक्त दिया जाए, हम निश्चित तौर पे इसको बिहार के हर कोने में इसको खड़ा करेंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व होता है कि बिहार के 38 जिले में हम लोग 30 जिलों में अपने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर को स्थापित कर चुके और मेरा जयनगर कैट इसमें थोड़ा सा और तराशने की जरूरत है, लेकिन हमारे दूसरे पायदान पे आता है। थोड़ा तराशने का मतलब आप सब लोग समझ सकते हैं, सब लोग देख भी रहे हैं। आज हम लोग अपने किसी भी कार्यक्रम में किसी भी पॉलिटिशियन को इन्वॉल्व नहीं करते। इसका मेन वजह है कि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि हम किसी राजनेता के पास जाकर के अपनी बात कहें। हमारा व्यापारिक संगठन होने के नाते हमारा ताल्लुकात हमेशा प्रशासनिक होता है, चाहे वो प्रशासन के किसी भी लेवल का। आज हम लोगों ने, इसके पहले पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी थे, हम लोगों के कम से कम 30 जिलों में से 15 से 20 जिलों में इन्होंने हमारे साथ भ्रमण किया और मुझे कहने में जरा सा भी संकुचित नहीं होगा कि इनकी वजह से भी हमारे कैट को बहुत ताकत और बहुत बल मिला। कई घटनाएं उसका उदाहरण है, जिसको कि नदी के अंदर में वो छलांग लगा के कूद गए थे, आप लोगों ने भी मीडिया में भी, लोग मीडिया भाइयों ने भी उसको छापा। तो वैसे वैसे काम को और हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ इनके सामने रखा। आज इसके पहले पब्लिक फिगर में कभी भी डीजीपी, आईजी, एसपी लेवल के लोग जल्दी आना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको कोई बुलाना नहीं चाहता और जो बुलाते थे वो अपने बंद चेंबर में अपने मेंबरों के बीच बात करके उनको विदा कर देते। लेकिन हम लोगों ने